आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखें, करवा चौथ का व्रत जो है हर महिला अपने जीवन में रखना चाहती है अपने पति की लंबी आयु के लिए। और बात सिर्फ लंबी आयु की नहीं है, बात है शादीशुदा जिंदगी में वैवाहिक सुख की और घर में बनी रहने वाली सुख शांति की। जी हाँ, क्योंकि जीवन साथी जो होता है ना, वो सिर्फ जीवन साथी इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपका पति या पत्नी है, एक अच्छा साथ जिंदगी में जो आपके दुख सुख में आपका साथ निभा सके वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह के हार्मनी पति पत्नी के बीच में बनी रहे, आज उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे करवा चौथ के बारे में, उसका मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा कब होगी, उसकी पुराणों में या हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कहाँ उसका मेंशन मिलता है, क्या उसकी महत्ता है और ज्योतिष में ये इतना खास क्यों है। जी हाँ, शुरुआत कर लेते हैं। देखें, ज्योतिष में यह इतना खास क्यों है। ज्योतिष में करवा चौथ को कर्क चतुर्थी भी कहा जाता है, जो कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। अब देखें, जो ज्योतिष थोड़ा सा भी जानते हैं, जिनको थोड़ा सा भी ज्ञान है, कार्तिक मास आठवां मास होता है हिंदू कैलेंडर में और कृष्ण पक्ष वो होता है जब चंद्रमा जो है धीमे धीमे अमावस्या की ओर बढ़ रहे होते हैं। और चौथी तिथि यानी कि कर्क चतुर्थी जिसे हम कहते हैं, कर्क राशि भी कहें या हम कहें कि करवा, जिसको हम मिट्टी का पात्र कहते हैं जिसमें पानी होता है, कहीं ना कहीं ये जल का प्रतिनिधित्व करने वाली बात है। और देखें, इस रात को कृष्ण पक्ष भी जिसे कहा जाता है कि जल की, वो एक जल का पक्ष होता है, एक उजाले का पक्ष होता है सूर्य वाला, एक होता है जो डार्क होता है जिसे हम जल का पक्ष कहते हैं। इस दिन में, इन दिनों में हमारी इंट्यूशन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, हमारी एनर्जीज, हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो मुझे लगता है फास्टिंग जो है उस समय में सबसे ज्यादा असर लाने के लिए रिकमेंड करी जाती है, अपने आप को नियंत्रण में रखने के लिए करी जाती है। क्योंकि जब हमारा चित्त हमारे नियंत्रण में होता है, हम वाद विवाद में नहीं पड़ते, हम संवाद करते हैं, हम विवाद नहीं करते, उस समय जो है इस तरह का जब व्यवहार हमारे अंदर आ जाता है तो हमारे रिश्ते और भी खूबसूरत वैसे भी हो ही जाते हैं। तो कर्क राशि जैसे कहा जाता है ज्योतिष में, वो भी जल तत्व की होती है। आप पूजा भी चंद्र देव की करते हैं करवा चौथ पे, जिसे कहा जाता है जल का प्रतिनिधित्व करता है। और आप ये देखें कि महादेव शिव जो हैं, शशि शेखर जी ने कहा जाता है, चंद्रशेखर जी ने कहा जाता है, देखिए वो अपने माथे पे ही चंद्र सजाए रहते हैं, यानी कितने अनासक्त हैं वो, गृहस्थ में हैं लेकिन फिर भी वैरागी हैं। और यही सुखी जीवन का जिसे कहते हैं ना राज है। जी हाँ, ये हमारे हिंदू पुराणों में इस तरह की जब बातें होती हैं तो कितनी गहरी बातें होती हैं। आप ये सोचें कि कितनी इंटरट्वाइंड है ना ये सभी चीजें जो हमारे जीवन में जुड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं आध्यात्म इसी को कहते हैं, जब हम अपनी आत्मा का अध्ययन करते हैं। बात कर लेते हैं इस व्रत की। तो करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखा जाने वाला है, चतुर्थी तिथि की तो वो 31 अक्टूबर रात को 9:30 बजे ही शुरू हो जाएगी और 1 नवंबर बुधवार को रात को 9 बजे तक, 9:15 बजे तक लगभग वो रहेगी। और सुबह 6:33 से रात को 8:15 तक का जो है व्रत का समय काल रहेगा। क्यों? क्योंकि 8:15 पे चंद्रोदय हो जाएगा। जी हाँ, आप पूजा कर सकेंगी चंद्रदेव को, अर्घ दे के अपना व्रत जो है संपूर्ण कर सकेंगी। और बात कर लेते हैं देखिए सर्गी की। अब जिन परिवारों में सर्गी की प्रथा चली आ रही है तो सर्गी हमेशा सूर्योदय से पहले ली जाती है। सर्गी में क्या खा सकते हैं? तो सर्गी में दूध से बनी चीजें, क्योंकि दूध भी देखिए चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है ना, तो दूध से बनी चीजें जो है शुभ मानी जाती हैं इस दिन खाना, जैसे खीर हो गए, चावल हो गए, दही हो गई, सात्विक खाना उसको कहा जाता है कि आप सर्गी में खा सकते हैं। और दूध से बनी चीजों का एक आयुर्वेदिक वो भी है, उसकी इम्पोर्टेंस है कि आपके अंदर सारा दिन जो है प्यास नहीं लगती, वो आपके प्यास को थोड़ा सा कम करता है। तो इस तरह जो है आप अपने व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए हमारे संस्कृति में कई ऐसी किताबें आपको मिल जाएंगी जहां पे इसका या व्रत का वर्णन मिलता है। जैसे नारद पुराण में पूरा सेक्शन है जिसको
व्रत के बारे में जहां पे वर्णन हमें मिलता है, महाभारत की एक प्रसंग है जो लोक कथाओं में बड़ा मशहूर है, बहुत नाम है जिसका, जिसे कहते हैं कि द्रौपदी और कृष्ण का प्रसंग। जब द्रौपदी श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के पास जाती हैं और अर्जुन को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करती हैं, क्योंकि अब कुरुक्षेत्र के बाद में उनको कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जो है अब उनको हिस्सा लेना है, तो उनकी लंबी आयु के लिए जब उनसे पूछती हैं उनके काम बने उसके बारे में पूछती हैं, तब श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि देखिये माँ पार्वती भी ऐसे उत्सुक हुई, तो उन्होंने शिव जी से पूछा, तब शिव ने उनको वीरावती की कथा बताई। और इस तरह हमें एक प्रसंग मिल जाता है कि कर्क चतुर्थी का जो है व्रत, उन्होंने उनको बताया था कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत रखें। जी हाँ, और इस दिन के व्रत की महत्ता हमें और भी बहुत जगहों पे मिल जाती है, और खास तौर पे हमारी श्रुति परंपरा में सुनने में ऐसा बहुत कुछ आ जाता है जहाँ पे कई बार इस दिन का व्रत जो है रिकमेंड किया जाता है, कहा जाता है कि इस दिन आप व्रत रख सकते हैं। अब बात देखे आते हैं उपाय की, तो उस दिन भी आप ये जरूर करिएगा कि चंद्रदेव की पूजा तो आप करेंगे, मन का नियंत्रण जरूर रखेंगे, लेकिन माँ दुर्गा को आप श्रृंगार अर्पित करके और उसके बाद पूजा करने के बाद जो है आप उसी श्रृंगार को यूज करके इस्तेमाल करके जो है आप अपने दिन की दिनचर्या को रेगुलर कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगी तो आपको उसके और फल जरूर देखने को मिलेंगे। देखिये मंगल ग्रह नक्षत्रों की भी जब बात हम कर लें तो इस दिन चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, तो मंगल की जो अच्छी ऊर्जा है उसको हम लाल रंग के रूप में ओढ़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमारे अग्नि तत्व का कारक है, तो हमारे घर में धन संपदा भी बढ़ाता है, माँ दुर्गा की पूजा करी जाती है। लेकिन मंगल की नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना चाहिए, यानी कि वाद विवाद में नहीं पड़ना है, संवाद करना है। मंगल की जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जैसे इसीलिए इस दिन कहा भी जाता है कि करवा चौथ के दिन जो है आप सुई धागा चाकू धागा नहीं सुई और चाकू जैसे धारदार चीजों का प्रयोग ना करें, क्योंकि घर में कलह नहीं होना चाहिए। इस तरह बोला जाता है कि नेगेटिव एनर्जी से ऊर्जाओं से आपको दूर रहना है, यहां तक कि अपने मन में भी कोई ऐसे निराशावादी नकारात्मक विचार नहीं आने देने हैं, कोई कलह वाद विवाद से बचना है, निराशा से बचना है। देखिये आप खुद को निराशा से जब बचाएंगे तो आपका पूरे घर में भी सुख रहेगा, क्योंकि आप सुखी रहेंगी या आप सुखी रहेंगे तो आपके परिवार में भी तो सुख होगा, एनर्जी स्प्रेड्स, जैसी आपकी एनर्जी है जैसे आपके हस्बैंड की एनर्जी है, क्योंकि एक शादी को निभाने के लिए जो है दो लोगों का उसमें योगदान जाता है ना, जैसे अर्धनारेश्वर रूप, हम महादेव के अर्धनारेश्वर रूप की बात करते हैं, शिव शक्ति की बात करते हैं, जो एक दूसरे की एनर्जीज को बैलेंस करती हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, हम उस रूप की पूजा करते हैं। इस दिन हम कहते हैं कि हम अपने चित्त पे नियंत्रण रखें, इस तरह कि ईश्वर हमें शक्ति दे, और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति का चित्त भी शांत हो और हमारे घर में कलह एकदम दूर भाग जाए, पति की आयु लंबी हो, शादीशुदा वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत खुशनुमा चले। अब बात आती है, देखें हमने अभी बात जो करी मुहूर्त की, अगर मैं बता दूं फिर से एक बार दोबारा कि सुबह 6:33 पर जो है सूर्योदय हो जाएगा, चंद्रोदय जो होगा 8:15 पर होगा, तो ये जो रहेगा व्रत का काल रहेगा, तिथि जो है वो 31 अक्टूबर को रात को 9:30 ही लग जाएगी और 1 नवंबर को रात को 9:00 तक रहेगी। पूजा का समय 5:36 का रहेगा। जी हाँ, शाम का सायंकाल का जो है पूजा का समय है, और उस समय आप उस दौरान पूजा कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम बात करें, एक उपाय मैं आप सबसे जरूर बांटना चाहती हूँ कि उसके अलावा भी आप कृष्ण पक्ष की, अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में कलह, अगर बहुत ज्यादा वाद विवाद होते हैं घर में, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रहती है, बात बात पे लड़ाई झगड़ा इस तरह बातें होती हैं, तो मन मुटाव बढ़ जाते हैं, उसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अगर हो सके तो व्रत रखें, अगर ना रख सके तो माँ दुर्गा की पूजा करें, उनको श्रृंगार अर्पित करें, और उसी श्रृंगार को लगाकर इस्तेमाल करके, जैसे इत्र हो गया, सिंदूर हो गया, बिंदी हो गई, उसको जो है अपने रेगुलर दिनचर्या में करें। ऐसा 8 कृष्ण पक्ष की अष्टमियों पे करके देखें, 8 महीने लगेंगे, महीने में एक व्रत वो आएगा,
आपकी शादीशुदा जिंदगी जो है पहले से बेहतर हो जाएगी, क्योंकि कलह विवाद नहीं होना चाहिए, वरना ग्रहों का प्रभाव इतना रहता है कि बात बात पे लड़ाई हो जाती है और बात बात पे विवाद हो जाता है, और जहां विवाद होता है वहां माँ लक्ष्मी वास नहीं करती है, वहां अलक्ष्मी वास करती है। तो लक्ष्मी का वास रहेगा, माँ पार्वती की कृपा रहेगी, ऐसा 8 जो है कृष्ण पक्ष की अष्टमियों को करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा आपको कितना फायदा हुआ। और यही चीज आपको करवा चौथ पर भी करनी है। करवा, एक बार बात बताती हूँ, करवा जिसे अर्दन पॉट कहते हैं ना, मिट्टी का घड़ा जिसमें पानी भरा होता है, करवा चौथ चौथी तिथि कर्क चतुर्दशी कर्क चतुर्थी इसे कहते हैं, माफ कीजिएगा। तो ये देखिए कितनी जुड़ी हुई चीजें हैं मिट्टी से, पानी से, क्योंकि हम अपने नेचर से, अपने एनवायरमेंट से, वर्ल्ड से ही जो है सारी एनर्जी लेते हैं, सारी इंस्पिरेशन लेते हैं, कि हमें मिट्टी की तरह कोमल और शांत रहना है, जल की तरह एकदम हर सिचुएशन में बहना है। तो कर्क चतुर्थी पे आप ये व्रत जरूर रखें, अगर आप रख सकें तो अपने मन के लिए रखें, चित्त को नियंत्रण में रखने के लिए रखें, अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए माँ दुर्गा से आप पूजा प्रार्थना करें। आपके लिए यह दिन मंगलमयी हो। नमस्ते, मैं हूँ श्रुति, आपसे फिर मिलूंगी दोबारा किसी दिन एक और टिप लेके, उसके बारे में और शायद महत्ता बताने के लिए। नमस्कार।